अम्मा गणेशा, आज मैं आपको कुरकुरी और रसभरी जलेबी बनाकर बताऊंगी। जलेबी बनाने के लिए मैंने एक प्याला लिया है मैदा, आप कोई भी कटोरी से नाप रख सकते हैं, और लिया है खट्टा दही और गर्म पानी। पानी हमें इतना गर्म करना है कि उसमें अंगुली दें तो हमारी अंगुली जले। हलवाई लोग गर्म पानी में ही मैदा भिगोते हैं जिससे कि उसमें अच्छा खमीर उठता है और जलेबी अच्छी बनती है। तो अब मैंने प्याले में डाला है गर्म पानी और अब डाला मैदा। अब मुझे इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि इसमें एक भी गांठ ना रहे। मैदे को हमें जब तक घुमाना है और घोलना है कि इसमें जो भी गांठ है वो सब गांठ इसमें ना रहे, तब तक। अब डालेंगे 3 चम्मच खट्टा दही। एक प्याला मैदा में मैंने 3 चम्मच खट्टा दही डाला है। दही बहुत ही खट्टा होना चाहिए तभी इसमें अच्छा खमीर उठेगा। पर हमें गोल इस तरह का रखना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। अब इस पर ढक्कन लगा कर रखेंगे। इसको भिगोए हुए कम से कम 11-12 घंटे हो गए हैं। तो अब हम बनाएंगे जलेबी के लिए चाशनी। इसके लिए मैंने 2 प्याला शक्कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 प्याला पानी। मीडियम फ्लेम पर हम चाशनी को बनाएंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी चाशनी मैली है, तो हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस जिससे कि हमारी चाशनी भी साफ हो जाएगी और चाशनी जमेगी भी नहीं। नींबू का रस डालते ही देखिए आप जो चाशनी है इसके ऊपर ये सारा मैल आ गया। तो अब हम चम्मच की सहायता से धीरे धीरे ये मैल पूरा निकाल देंगे। अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची और 1 चिमटी फूड कलर। ये पीला फूड कलर है जिससे कि जलेबी में अच्छा कलर आएगा। 7 से 8 मिनट हो गए चाशनी को पकते हुए। तो अंगुली पर हम लेंगे चाशनी और इसे इस तरह से हम दबाएंगे तो हमारी अंगुली चिपचिपी होनी चाहिए। एक तार की नहीं बनानी है हमें चाशनी, एक तार से थोड़ा कम यानी कि 1/2 तार इतनी ही। चाशनी हमारी तैयार हो गई और घोल को भी भीगे हुए 11-12 घंटे हो गए। इसमें बहुत ही अच्छा खमीर उठा और खट्टी खट्टी खुशबू आ रही है। तो घोल हमें ऐसा ही रखना है, एकदम पतला नहीं रखना है। अब हम इसे छोटी सॉस की बोतल में डालेंगे। अब हम एक फ्लैट तले के बर्तन में घी को गर्म करेंगे और इस तरह से गोल गोल जलेबी बनाते रहेंगे। घी को हमें ना तो ज़्यादा तेज़ गर्म करना है ना ही कम, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें गैस को रखना है और पलट पलट कर हमें इस जलेबी को कुरकुरे होने तक तलना है। यहाँ इसका कलर सुनहरा हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और घी निथारने के बाद हम गुनगुनी चाशनी में इन जलेबी को डाल देंगे और 3 से 4 मिनट में हम इसे निकाल लेंगे जिससे कि हमारी जलेबी अच्छी तरह से जो चाशनी है वो पीलेगी। जलेबी बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इस तरह से आराम से घर पे बना सकते हैं। बस हमें घी की आंच का ही ध्यान रखना है। आप भी इस तरीके से आराम से घर पे ये जलेबी बना कर खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।